बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि ना तो सारे के सारे स्कूल्स और स्कूल मैनेजमेंट खराब हैं, ना तो सारे के सारे स्टाफ, टीचर्स, पेरेंट्स खराब हैं, ना तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और राजनेता खराब हैं, बट थोड़े से लोग मिलकर माहौल को बहुत ज्यादा खराब करने पे लगे हुए इस टाइम पे। तो ये जो राइट टू एजुकेशन के अंडर 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार का दायित्व था, है, सरकार अपने उन दायित्वों में फेल रही है। ये हमें स्कूल अथॉरिटीज को और पेरेंट्स को भली भांति समझना होगा कि हमारी डिमांड किससे होनी चाहिए। हमारी डिमांड सरकार से होनी चाहिए थी कि आपको हमारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन देनी थी, आप अपना दायित्व सही से नहीं निभा पाए, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्टेंस में आए और सालों से लगातार वो सर्वाइव कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसका मतलब अभी भी वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। तो उनकी रेखा जो ऑलरेडी आपसे बड़ी है उसको काट कर मिटा कर छोटी करने की बजाय अपनी रेखा को लंबी कीजिए, ताकि हम लोगों के पास बेटर ऑप्शन हो स्कूल्स में। इफ वी फील दैट वी आर बीइंग लूटेड, प्लंडर्ड और व्हाटएवर इज देयर इन सोशल मीडिया, देन वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन गो टू द गवर्नमेंट स्कूल्स बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर एजुकेशन एंड क्वालिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर than the private schools, which unfortunately is not at all the scene anywhere. Delhi ke schools ki bahut praise ho rahi hai, wahan pe kuch schools mein changes kiye gaye hain, I appreciate that. Hona chahiye, har jagah pe hona chahiye, but you will also agree ki sare ke sare Delhi ke schools aise nahi ho gaye hain. Kuch chuninda schoolon ki photographs aur videos hi Facebook par, social media par dikhai jati hai. हर स्कूल का हालात इतने अच्छे नहीं है और ना ये सरकारें इतने अच्छे हालात करने की स्थिति में हैं। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो जो एजुकेशन बजट है टोटल, उसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि अराउंड 4000 रुपीज पर स्टूडेंट खर्च कर रही है सरकार इस टाइम पे सरकारी स्कूलों में, जहां पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपने बच्चे भेजना ही नहीं चाहते। 35 to 400 रुपीज पर मंथ और 80% ऑफ द स्कूल्स इससे कम फी चार्ज करते हैं पर मंथ, डे स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं। शुडंट वी टीचर्स, स्टाफ एंड पेरेंट्स, एवरीबॉडी बी आस्किंग द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन फाइटिंग अमंग ईच अदर? आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? जिनसे अपने हक मांगते हैं, आइए मिलकर उनसे अपने हकों की डिमांड करें। मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि सरकार बहुत इंपेशेंट हो गई थी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, खासतौर पे अगर पंजाब की बात करूं, एकदम इंपेशेंट होकर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और एकदम इंपेशेंट होकर नोटिफिकेशन निकाल दी कि फीस नहीं देनी है और नहीं लेनी है जब तक हालात सुधर नहीं जाते। शायद उनके पास बेहतर रिसोर्सेज थे, उनको पता भी था कि ये लंबी चलेगी स्थिति, 21 दिन से काम नहीं बनने वाला, तो उस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर हैंडल किया जा सकता था। बट ये इम्पेशियंस का लेवल हर जगह पे दिख रहा है। ये नो स्कूल नो फीस की कैंपेन बहुत जल्दी चला दी गई, हालांकि अभी परिस्थितियां उतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं थी और स्कूल मैनेजमेंट भी कई जगह पे, बहुत से मैनेजमेंट भी पैनिक में आ गए, वो भी बहुत जल्दी पैनिक में आ गए और स्टाफ का नंबर कट शॉर्ट किया जाने लगा, सैलरीज कुछ रिड्यूस की जाने लगी और सेम पैनिक टीचर्स में भी क्रिएट होने लगा। उनको भी लगा कि अब पता नहीं आगे हमारी जिंदगी बिल्कुल ठहर जाएगी या चल नहीं पाएगी। तो सबने क्या किया, हमने सबने कहानी सुनी हुई है वो मुर्गी जो अंडे देती थी सोने के, तो एक एक अंडा लेने की बजाय इन सभी स्टेक होल्डर्स ने मुर्गी का गला काटने की कोशिश की है। सबको अंडों से संतोष नहीं हुआ, सबने सोचा कि जहां से जितना मैक्सिमम बेनिफिट इस वर्स्ट सिचुएशन का ले सकते हैं वो ले लेना चाहिए। एक दूसरे की मजबूरी का फायदा सबने बखूबी उठाया है और उठा रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सिचुएशन, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और बढ़ती जा रही है। अगर हम इसका उल्टा चलते, एक दूसरे से कोऑपरेट करते, कुछ कोऑपरेशन मैनेजमेंट्स करती, कुछ कोऑपरेशन पेरेंट्स करते, कुछ कोऑपरेशन स्टाफ भी करता कि कोई बात नहीं, हमें पूरी सैलरी नहीं है तो कम से कम जितनी कलेक्शन आपके पास आ रही है या जितने फंड्स हैं उनको आप हमारे से शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली कम से कम हमें देते चलिए। जॉब लेस होने से आपके साथ रहकर पेरेंट्स की और बच्चों की सेवा करते रहना, हम सर्विस के लिए हैं इस सेक्टर में, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते रहना और जितना पेरेंट्स एमिकेबली
हमें हम अपने रोजगार के अकॉर्डिंगली, अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली पे करते चले, उतना उनसे लेकर एक सॉल्यूशन ऐसा खोजा जाता जिसमें विन विन सिचुएशन होती सबके लिए, मैनेजमेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ऐसा करने की बजाय एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव सामने रखा जा रहा है। मैनेजमेंट्स, बहुत से मैनेजमेंट्स, सभी नहीं कर रही हैं, सभी, मैं इस टाइम भी बहुत से मैनेजमेंट्स के टच में हूं जो कंप्लीट सपोर्ट कर रही हैं अपने स्टाफ को फंड्स होने ना होने के बावजूद, जिन्होंने स्टाफ को फ्रीडम दे रखा है कि अगर हमारा बैंक बैलेंस जीरो भी है, फी कलेक्शन नहीं भी आ रही है, फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, अगर हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके उन पर्सनल इश्यूज को एटलीस्ट जरूर मीट करेंगे। जितना पैसा पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए चाहिए, आइए हमसे ले जाइए, सेटलमेंट बाद में हो जाएगी जब भी पेरेंट्स फीस देंगे। ऐसी भी मैनेजमेंट्स हैं इस टाइम पे, ऐसी भी हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल की फुल सैलरी भी दी है, कुछ ऐसी भी है जिनके फंड्स कम होने की वजह से 50% सैलरी दी है, 50 डेफर कर दी है कि बाद में देंगे जब पेरेंट्स पे कर देंगे, ड्यूज क्लियर कर देंगे। बट एक जो स्टैंड पेरेंट्स ने पकड़ लिया कि देनी ही नहीं है, बहुत से स्कूल्स हैं जो हैंड टू माउथ वाले हैं, जो 800 टू 1500 पर मंथ फी स्ट्रक्चर वाले स्कूल्स हैं या 2000 तक के स्ट्रक्चर वाले स्कूल हैं, जो इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बियर नहीं कर पा रहे क्योंकि जो पेरेंट्स फीस देने की सिचुएशन में हैं, जो कंफर्टेबली सैलरीज अर्न कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड में, जिनका बिजनेस लॉकडाउन पीरियड में रादर अच्छा हुआ, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द केमिस्ट, इफ द वेजिटेबल वेंडर्स, द मिल्क वेंडर्स और ऐसी एसेंशियल सर्विसेज जो लॉकडाउन में चलती रही हैं, क्रॉप्स जिसकी बम्पर पैदावार हुई है और अच्छी कलेक्शन भी हुई है, सभी पेरेंट्स ने एक जैसा स्टैंड ले लिया कि इस टाइम पे स्कूल्स को दबाने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो पुरानी जो पास्ट की कोई ग्रीवेंसेस थी उसका भी बदला आज लेते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता उतना दबा लो, ना फी पे करेंगे ना किसी को फीस पे करने देंगे। ये जो एक एटीट्यूड बन गया ना, ये वो मुर्गी काटने वाला एटीट्यूड है, तो ये मुर्गी कटेगी मींस बंद होंगे, शट डाउन होंगे, तो प्राइवेट स्कूल्स नहीं रहे, तो कल को मजबूरन उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ेगा जिनमें सभी पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले बोला, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये पेरेंट्स भी नहीं जाना चाहते। तो प्लीज अभी भी टाइम है, ये मुर्गी मत काटिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो अंडे मिल रहे हैं उनसे संतोष कीजिए, प्लीज 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 इस मुर्गी को मत काटिए।